अगर आप हैं रियलिटी शो बिग बॉस के डेली व्यूअर तो बीते एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे समर्थ जुरेल की लगातार पोकिंग के बाद अभिषेक कुमार ने अपना हाथ समर्थ के ऊपर उठा दिया। अभिषेक ने जड़ दिया समर्थ को तमाचा। वेल, अभिषेक के थप्पड़ पर टीवी इंडस्ट्री के सितारों ने किया है रिएक्ट। हम बात कर रहे हैं उन सितारों की जिन्होंने कहा कि इसे एक चांटा और जड़ना चाहिए था, एक थप्पड़ में कहां इसे कुछ समझ आएगा। वेल, इन सितारों की लिस्ट में पहला नाम अभिषेक के को एक्टर रह चुके विरसा रायर का है। विरसा ने अभिषेक के साथ उडारिया में काम किया है। विरसा ने अभिषेक को सपोर्ट करते हुए ये बताया कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है और ईशा बहुत बड़ी झूठी है। विरसा ने कहा कि समर्थ को एक चांटा और मारता। अभिषेक को बोला जा रहा है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली जो बात है ये झूठी है, एक्टिंग कर रहा है। ईशा जी, आपको तो सब कुछ पता था, आप भी बोल रही हैं। मैं कसम से हैरान हुआ भाई, बंदा गेम के लिए, इस गेम के लिए कितना गिर सकता है, कितना झूठ बोल सकता है। हम सब बैठे हैं, हम सबको पता है, जितने उसके दोस्त हैं, जितने उसके जिनके साथ उसने काम किया, सबको पता है कि वो क्लोस्ट्रोफोबिक है। वो कभी जिंदगी में लिफ्ट में नहीं बंदा गया, जिंदगी में आज तक वो बंदा लिफ्ट में नहीं गया। वो हमेशा सीढ़ियां प्रेफर करता था, चाहे बिल्डिंग में 21वें फ्लोर पे किसी का फ्लैट हो, वो सीढ़ियां चढ़ के गया है। और आप बोल रहे हो कि एक्टिंग कर रहे हैं, किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक बना रहे हो। तुम लोग इतना गिर जाओगे क्या एक गेम के लिए, मेंटल हेल्थ पे मजाक कर रहे हो। देखो, ऊपर वाला जो है ना वो सब देख रहा है, ठीक है, कब किस पे क्या आन पड़े कुछ नहीं पता होता। सो चीजें सोच समझ के बोलनी चाहिए। और मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूँ कि सैटरडे को सलमान सर इस चीज पे क्या बोलते हैं। बाकी बाहर तो सबको दिख ही रहा है कौन झूठा है और कौन सच्चा है। इसके साथ साथ बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी अर्चना गौतम भी अभिषेक के सपोर्ट में आई। अर्चना ने भी खुलासा किया कि कैसे हर कोई जानता है कि अभिषेक क्लॉस्ट्रोफोबिक है। अर्चना ने कहा समर्थ ने काम ही थप्पड़ खाने वाला किया है। हेलो गाइस, सीरियसली अभिषेक को क्लॉस्ट्रोफोबिक है। वो चाहे 50 माला हो चाहे 35 माला हो, वो स्टेयर से ही जाता है और उसको बहुत डर लगता है हाइट से और लिफ्ट के अंदर से। तो इसमें मैं अभिषेक का सपोर्ट करती हूँ, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में बहुत डरता है लिफ्ट के अंदर जाने से, तो इसीलिए उसका घर सेकंड फ्लोर पे है। तीसरा सितारा सुयश राय है। सुयश भी अभिषेक के सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कि अभिषेक की मेंटल हेल्थ को इस तरह ड्रैग क्यों किया जा रहा है। ईशा और समर्थ जिस तरह अभिषेक को चिढ़ा रहे हैं वो देखकर बहुत बुरा लग रहा है। किसी की मेंटल कंडीशन का इस तरह मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। सुयश के साथ साथ अभिषेक की मुंह बोली बहन उडारिया एक्ट्रेस चेतना सिंह ने भी अभिषेक का सपोर्ट किया। चेतना ने कहा मेरा भाई गलत नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलो। तो वहीं कीश्वर मर्चेंट ने अभिषेक कुमार को ये कह दिया कि अगर तुम्हें इस थप्पड़ के लिए घर से बाहर निकाले ना तो मेरा एक काम करना, एक और चांटा मार कर आना। बिग बॉस के विनर रह चुके प्रिंस नरूला ने भी अभिषेक को सपोर्ट किया और कहा कि अगर मैं घर के अंदर होता ना, मैं इन दोनों को सोने नहीं देता। प्रिंस ने कहा कि बहुत अजीब हैं ये दोनों। बिग बॉस सीजन 17 की ही कंटेस्टेंट ऐश्वर्या ने भी ईशा पर चुटकी ली और कहा वाह ईशा मालविया, इतना जल्दी तो रोटियां भी नहीं पलटती जितनी जल्दी आप पलटी हो। सबने देखा कि आप कैसे पोक कर रहे थे चिंटू के साथ मिलकर, और अब इतना भी मत गिरो कि उठ के चल ना पाओ। स्टे स्ट्रॉन्ग ब्रो अभिषेक कुमार। इन सब के अलावा ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे प्रियंका चहर चौधरी ने भी कहा है कि थप्पड़ खाने वाला काम करोगे तो थप्पड़ ही खाओगे। जी हाँ, ये वो सितारे थे जिनके हिसाब से अभिषेक ने चिंटू को थप्पड़ मारकर बिल्कुल ठीक किया। जो हरकतें चिंटू कर रहा था ना, किसी भी इंसान का हाथ उठना लाजमी है। कभी अभिषेक के ऊपर रजाई डालना, कभी अभिषेक के मुंह में टिश्यू पेपर डालना। चिंटू मियाँ, अगर आप वॉयलेंस की परिभाषा नहीं जानते तो हम बता देते हैं। वॉयलेंस इज अप्लाइंग फोर्स ऑन समवन,
अब वो फोर्स आप थप्पड़ के जरिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी पर रजाई डालकर या टिश्यू पेपर मुंह में ठूस कर रहे हैं, बात एक ही है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।